fine. Need it perpendicular to the two vectors. I plus 2j minus k and 2i plus 3j plus k. ये ना? ठीक है. तो देखिए वेक्टर ए की वैल्यू कितना होता है? वेक्टर ए इक्वल टू आपका i अब प्लस 2j अब माइनस प्लस 2j माइनस k. ठीक है. और वेक्टर बी कितना है? वेक्टर बी इक्वल टू है आपका 2i प्लस 3j. 2i और प्लस 3j और प्लस k. है ना? ठीक है. तो आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी क्या होगा? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या होगा? एम के इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी इनटू वेक्टर. ठीक है. मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी. ठीक है. ठीक ये इस आइडेंटिटी से क्या मिलेगा आपको? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करेगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए. हाँ, और उस क्रॉस प्रोडक्ट को इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे. इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट से क्या करेंगे? प्रोडक्ट से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. हाँ, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं? पहले मॉड निकाल लेते हैं. तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जे स्क्वायर होगा ना. मैंने स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई. आई का कोफिशिएंट कितना? 1. 1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जे. जे का कोफिशिएंट 2 है. 2 स्क्वायर हो जाएगा. एक प्लस के के का माइनस 1 होल स्क्वायर ना. क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 6. रूट ऑफ 6 मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा ना. अब मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लीजिए. तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या होगा? हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई. आई का स्क्वायर रूट क्या? 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर. क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर बी इस फोर हो जाएगा रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 1. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ 15 रूट ऑफ 14 रूट ऑफ 14 ना. ठीक है. अब ए क्रॉस बी निकाल लीजिए. तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इस फोर क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो आई जे के से बनेगा ना. ठीक है. सेकंड रो जो है सेकंड रो थ्री वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट से बनेगा. तो थ्री वेक्टर आपका ए है. तो ए में आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखेंगे. जे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखेंगे. के का कोफिशिएंट माइनस 1 माइनस 1 लिखा जाएगा. अब फिर थर्ड रो फोर्थ वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट से बनता है. तो आई का वेक्टर कितना? आई का कोफिशिएंट फोर्थ वेक्टर पे 2 है और जे जे का कोफिशिएंट 3 है. के का कोफिशिएंट 1 है. ये ना. अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर देंगे. ठीक है. तो चलिए ओपन करिए. तो ओपन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो. तो आई ले लेंगे. अब फर्स्ट रो जिस फर्स्ट रो को छोड़ेंगे फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे है. और जो बचेगा सब डिटरमिनेंट लिख दीजिएगा माइनस जे. ठीक है. अब क्या करेंगे? सेकंड कॉलम छोड़ेंगे फर्स्ट रो छोड़ेंगे. ठीक है. जो बचेगा वो कॉपी कर लीजिए. ये ना. फिर के लिखेंगे. अब फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ा जाएगा. क्या बचेगा? 1 2 3. अब इसको ओपन कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा? आई कै 2 प्लस 3 है ना माइनस जे 1 प्लस 2. ठीक है. फिर प्लस के क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 ना. तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 5 आई और माइनस 3 जे. ठीक है. और माइनस के
का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 6, बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 14 है ना, क्या हो जाएगा 5 माइनस 3j, ठीक है, माइनस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 84 है, 5 और माइनस 3j माइनस 8 अपॉन ये रूट ऑफ क्या होगा 4 इनटू 20 है ना, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3j माइनस 8 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 20, ठीक ये हो गया ये, ठीक है। आंसर्स का देख लीजिए, सेकंड आ जाइए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 आ जाइए, यहां से क्वेश्चन इसका आंसर देखा है, आंसर्स का मिला दो आगे बढ़े सही। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है, करें फाइंड इंटरवेटर परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर टू 4i प्लस 3j प्लस k एंड 2y माइनस j प्लस 2k, डिटरमाइन दिस साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ये कह रहे ना, ठीक है। तो चलिए तो यूनिट वेक्टर निकालने का तो ये मेथड रहेगा ना, है तो पहले वेक्टर ए लिखें, तो वेक्टर ए कितना होता है 4i और प्लस 3j और प्लस k, ठीक है। अब इसका मॉड निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और यहाँ ये कितना हो गया आपका रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 26, तो ए की वैल्यू 26 हो गया। अब चलिए मान बी लिखे, वेक्टर बी, तो वेक्टर बी कितना है 2i माइनस j और प्लस 2k ना, मान बी कितना हो जाएगा जगह रूट ऑफ 2 स्क्वायर और प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस 2 ना, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 4 ये हो जाएगा 9 3, तो मॉड बी इक्वल क्या हो गया 3 बी इक्वल। अब ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी क्या होगा डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो इज बाउंड बाय यूनिट वेक्टर आई लेके, सेकंड रो इज बाउंड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का कोफिशिएंट लिखे 4, 3 and 1, आई का कोफिशिएंट आई लिखे, जे कोफिशिएंट जे लिखे, के कोफिशिएंट के लिखे ना, ठीक है। अब फिर थर्ड वेक्टर लिखे, थर्ड वेक्टर क्या है आपका अरे फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिखे तो 2 - 1 and 2 है ना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं इसको ओपन कर देते हैं, चलिए ओपन करिए, अब इसको ओपन कर देते हैं, कितना हो जाएगा वेक्टर ए का वेक्टर बी इज इक्वल टू आई लेंगे बी रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका 3 - 1 और 1 2 फिर माइनस जे ना, कॉलम छोड़ दीजिए और रो छोड़ दीजिए 4 2 1 2 4 2 1 2 फिर प्लस के कारण हो गया रूट हो गया 4 3 2 1 4 3 2 1 है ना, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6 + 1 आई के माइनस जे 8 - 2 और फिर प्लस के -4 - 6 ना, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इसको हो जाएगा 7 आई के और -6j के और -10k के, ठीक है।
वैल्यू हमने सामने निकाला सेकंड आई माइनस सिक्स जे माइनस टेन अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड आपका रूट ऑफ 26 है और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी का मैग्नीट्यूड 3। तो एन का इंटीग्रल कैंसिल किया तो एन एन का हो गया आपका 7 आई और माइनस सिक्स जे और माइनस सिक्स जे और माइनस टेन के अपन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 26 आंसर देखो क्या देगा। हां सही है। अब साइन थीटा का एलिमेंट निकाल लीजिए। तो साइन थीटा कैसे निकालें बोलते हैं, जैसे ए क्रॉस बी छोड़ क्या होता है, ए बी साइन थीटा ये भी बेटर है ना, इसका मॉड ले लीजिए तो मॉड ए क्रॉस बी इसको क्या हो जाएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा मॉड ए है ना, तो मॉड ए कैपिटल 1 होती है, क्या होता है 1 ना, ए वैल्यू हो जाएगा आपका ए बी साइन ऑफ थीटा इनटू 1। यहां से साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा हो जाएगा मॉड ए क्रॉस बी अपॉन ए बी ना, तो मॉड ए क्रॉस बी कितना है, मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लीजिए तो रूट ऑफ 7 स्क्वायर है और प्लस हो जाएगा माइनस 6 माइनस 6 होल स्क्वायर और प्लस माइनस 10 होल स्क्वायर अपॉन ए। ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू जो है रूट ऑफ 26 है और इनटू 3 ना, कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 3 रूट 26 ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 49 और प्लस 36 और प्लस 100 प्लस 100 ठीक है, सबको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉपी करें फिर नेक्स्ट।